देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं है, और छह की छह बॉलों पे छक्का मारेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज से नामांकन दाखिल किया। वो दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे, उनके साथ उनके चाचा रामगोपाल यादव भी थे। कलेक्ट्रेट में भारी संख्या में समर्थकों ने फूल बरसाकर सपा प्रमुख का स्वागत किया, ढोल नगाड़े बजाए। अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप नामांकन में शामिल नहीं हुए। इस बीच बीजेपी सांसद और कन्नौज सीट से प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने पहले मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव को कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, जिसके बाद पार्टी ने अपना फैसला बदल दिया। अखिलेश यादव साल 2000 में कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में पहली बार सांसद चुने गए थे। उसके बाद वो 2004 और 2009 में भी इसी सीट से सांसद रहे। यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। इस वजह से 2012 में कन्नौज सीट पर उपचुनाव करवाए गए, जिसमें उनकी पत्नी डिंपल यादव निर्विरोध चुनी गई थी। साल 2014 के आम चुनाव में भी डिंपल यादव ने इसी सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि 2019 के चुनाव में वो बीजेपी के सुब्रत पाठक से हार गई। नामांकन करने के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कन्नौज से लेकर लद्दाख तक के मुद्दे उठाए हैं और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का चैलेंज दिया। देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं है, और छह की छह बॉलों पे छक्का मारेंगे। आप तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे, अब तो महफिल यूपी में ही सजनी। और इसलिए भी कि देखो ना, बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद क्या इनका बैंड नहीं बच गया? इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की और उसी की वजह से ज्यादा मुनाफा कमाने दे रहे हैं। जो लोग ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, जो कारोबारियों से चंदा वसूलेंगे, वो चंदा नहीं है, वो वसूली है। क्या उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? जो लोगों से इन्होंने चंदा वसूला के नाम पर वसूली की है, क्या उससे महंगाई नहीं है? और बेरोजगारी का जवाब क्या है? ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, बताओ बेरोजगारों को नौकरी क्यों नहीं दी? पेपर लीक हो रहा, ये पेपर लीक कर रहे हैं। और फिर मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, सुनने में आया है हमारे सीमा का लद्दाख ले लद्दाख के इलाके का एक सांसद भारतीय जनता पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जा रहा है। सोचिए आप, वहां आंदोलन कितने दिनों से चल रहा है, एक व्यक्ति और पूरे वहां के लोग 21 दिन वहां पर आंदोलन किए, भूखे प्यासे बैठे रहे। इस बीच पीएम मोदी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुरैना और उत्तर प्रदेश में आगरा के बाद बरेली और शाहजहांपुर में भी विशाल जनसभा को संबोधित किया। ये उत्तर प्रदेश में सपा के ठेकेदार जो खुद को यदि वंशी बताते हैं, जो यदुवंशी कहते हैं, ऐसे सपा के परिवारवादी, वो भी ये श्री कृष्ण की मजा उड़ाने वालों ने, बेइज्जती करने वालों की आरती उतार रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।